बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, रियल्टी नेटवर्क में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लिंक रोड पे। आपको बताते चलें कि बेसिकली ये लिंक रोड सिंगल रोड हुआ करता था, अभी इसको एक्सटेंड किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। नेशनल हाईवे को ये रोड मिलाता है सुपर हाईवे से, जिसे आप मोटरवे भी बोलते हैं, कराची हैदराबाद मोटरवे। तो आपको बताते चलें, इस रोड के बनने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं, जो ट्रॉलर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है क्योंकि ये बड़ी गाड़ियाँ मोटरवे के थ्रू आती हैं और इसी लिंक रोड के ज़रिए पोर्ट कासिम जाती हैं, और पोर्ट कासिम से फिर सामान लेके वापस पंजाब की तरफ इसी रोड से जाना होता है, जिसकी वजह से इस रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। और मसला यही आता है कि सिंगल रोड होने की वजह से आए रोज़ यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक्सीडेंट के साथ साथ रोड सारा ब्लॉक हो जाता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाया करती थी। और जो गाड़ियों वालों ने 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर सामान को कहीं पहुँचाना होता था, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे और बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते थे। मगर अब ये रोड बनने जा रहा है, काफ़ी हद तक बन चुका है। आपको बताते चले, 22 किलोमीटर का ये ट्रैक है, 22 किलोमीटर जो है ना इस रोड ने बनना है। तो अभी तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर ये रोड बन चुका है और बाकी पे भी काम जारी है। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं रोड पे किस हद तक काम हो चुका है। अच्छा, तो आपको ये दिखा रहे हैं, ये जो बेसिकली रोड जिस पे ट्रैफिक चल रही है, पहले यही रोड हुआ करता था और अभी तक भी ज़ाहिर बात है दूसरा रोड बना नहीं है। अभी आप देख लें कि इस पर कितनी हैवी ट्रैफिक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यही वजह है कि यहाँ पे आए रोज़ एक्सीडेंट हुआ करते हैं, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक ही रहता है। अभी आप देख लें कि कितनी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक इस पर मौजूद है, और इसी वजह से जो है ना सी पैक के अंडर जो है ना इसको लाया गया, ताकि ये जो एक आम दरफ्त है, ये जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स वगैरह हैं जिन्होंने पंजाब से आना होता है डायरेक्ट इधर पोर्ट कासिम, वहाँ से सामान ले कर वापस जाना होता है, तो इसलिए इसको सी पैक के अंडर ले कर आए हैं। और ये वाला रोड जो है ना अभी अब ये बन रहा है, आप देख लें, कंक्रीट का रोड बनाया जा रहा है। बेसिकली 22 किलोमीटर का सारा ट्रैक ये कंक्रीट का ही रोड बनेगा। कंक्रीट के रोड का फ़ायदा ये है कि ये जल्दी जो है ना ख़राब नहीं होता, जबकि बाकी वाले रोड्स की हमें पता है एक दो बारिशों में ही अक्सर रोड तो जो है ना बह जाते हैं। लेकिन इस कंक्रीट वाले रोड का ये फ़ायदा कि इसका लाइफ टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा होता है बाकी रोड की नस्बत। जी, तो आपको ये भी बताते चलें कि बेसिकली ये जो ठेका है, डीप लोच कंपनी को ठेका मिला है, और मज़े की बात यह है कि ये रोड बेसिकली सी पैक के अंडर आ रहा है, और सी पैक के थ्रू जो है ना इस रोड को बनाया जा रहा है, क्योंकि सी पैक से रिलेटेड जितने भी वो मेन रोड हैं जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्री हब को मिलाते हैं, जैसे कराची शहर की बात करें, पोर्ट कासिम की बात करें, तो ये सारे एरिया कनेक्ट किए जाएंगे और ये सी पैक का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसी वजह से पोर्ट कासिम भी पाकिस्तान की बड़ी बंदरगाहों में शामिल होती है, तो इसलिए इस रोड को सी पैक के तहत बनाया जा रहा है। और डीप लोच कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, इनको ये ठेका दिया गया है और काम तेज़ी से चल रहा है। आप ये देख सकते हैं इस साइड पे ये पूरा सेटअप जो है ये डीप लोच कंपनी का है। और मज़े की बात यह है कि लिंक रोड यहाँ तक कम्प्लीट हो चुका है, अब यही सेटअप फिर आगे लगाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक तो रोड कम्प्लीट कर चुके हैं, फर्दर फिर जिस तरह आगे चलते जाएँगे इनका एक सेटअप आगे भी लग चुका है। तो इस तरह से जो है ना काम को इन्होंने तेज़ी से जारी रखा हुआ, और उम्मीद है कि इस साल के एंड तक ये रोड 22 किलोमीटर का रोड कंप्लीट हो जाएगा। ये भी चेक करें कितना मुश्किल होता है यहाँ पे क्रॉसिंग करना, और अभी भी बहुत मुश्किल से ये गाड़ियाँ दो जो है ना टकराते टकराते बची हैं। तो यही वजह है कि इस रोड को, ये लिंक रोड को पहले ही एक्सटेंड कर देना चाहिए था, लेकिन चलें देर से ही सही, चलें समझ तो आई हमारी गवर्नमेंट को कि भाई इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि चलें अब बहुत जल्द ये बन जाए और बहुत सारे हादसा से मज़ीद जो है ना बचा जाए। हम लोगों का तो खुद का इस रोड से आना जाना, तो हम तो अक्सर जब भी आते हैं आए रोज़ हादसा यहाँ पे होता है रोड पे, तो इसी वजह से हमें तो पता है कि वाकई कितनी ज़्यादा ट्रैफिक और कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी इसको एक्सटेंड करने की। तो बहुत देर बाद किया, लेकिन चलें वही बात है, देर से ही सही, लेकिन चले एक अच्छा काम तो हो रहा है। और ये देखें इस रोड पे हैवी ट्रैफिक होती है, छोटी ट्रैफिक है ही नहीं, लाइक बाइक हो गया या कारें बहुत कम होती हैं। ये बेसिकली यूज़ ही इसी पर्पज़ के लिए होता है, ट्रांसपोर्ट, बड़ी जो हैवी ट्रांसपोर्ट है वही इस रोड पे हुआ करती है।